वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाला हूँ श्री राजनगर रेलवे स्टेशन का वीडियो, यानी कि रेलवे स्टेशन का जो वीडियो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। और बने रहे इस वीडियो पे और मैं बताने वाला हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें जो कि आपको जानना बहुत जरूरी जाता है। पहले मैं बात करूँ श्री राजनगर का जो स्टेशन कोड है वो क्या है। श्री राजनगर का स्टेशन जो कोड है वो है SAGR, यानी SAGR ये स्टेशन कोड है। इसको कभी भी आप टिकट बुक करने के लिए आप यूज़ में देख सकते हैं। और मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म नंबर कितने हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इस श्री राजनगर रेलवे स्टेशन पे। और मैं बात करूँ तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताने वाला हूँ कि आपके जो श्री राजनगर है उसके अगल बगल का जो रेलवे स्टेशन वो कौन कौन सा है, ये चीज़ें बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले मैं बात करता हूँ फेमस रेलवे स्टेशन लखनऊ, यानी कि LKO। लखनऊ है 38 किलोमीटर के आसपास में। कानपुर है यहाँ पर 73 किलोमीटर के आसपास में। इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो रेलवे स्टेशन वो है 141 किलोमीटर के आसपास। और मैं बात करूँ वाराणसी जंक्शन वो है करीब 233 किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस है। और मैं बात करूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये करीब 247 किलोमीटर के आसपास में पड़ जाता है। और भी रेलवे स्टेशन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे गोंडा रेलवे स्टेशन यानी गोंडा जंक्शन 114 किलोमीटर के आसपास। बस्ती रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा 171 किलोमीटर के आसपास। सतना पड़ेगा 219 किलोमीटर के आसपास। गोरखपुर जंक्शन पड़ेगा 231 किलोमीटर के आसपास। और भी मैं बताना चाहूँगा जैसे रायबरेली हो गया 36 किलोमीटर के आसपास। और बादशाह नगर पड़ेगा 40 किलोमीटर के आसपास। ऐसे बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं जो कि इसके आसपास में पड़ते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि हम लोग रेलवे स्टेशन के काफ़ी करीब पहुँचने वाले हैं। हमें लगता है 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का डिस्टेंस और होगा और काफ़ी अच्छा नज़ारा देख सकते हैं बाहर कितना बढ़िया लग रहा है। हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी आप बताओ कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है। और एक चीज़ मैं हमेशा जानने की कोशिश करूँगा कि क्या आप कभी भी इस रेलवे स्टेशन पर आए हैं, श्री राजनगर रेलवे स्टेशन पर आए हैं, तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना। या फिर आप उसके अगल बगल रहते हैं तो आप ये बताएँ कि पहले रेलवे स्टेशन कैसा था और आज के डेट में रेलवे स्टेशन की साफ सफाई कैसी है। मैं तो पहली बार देखूंगा श्री राजनगर रेलवे स्टेशन को, लेकिन आप अगर पहले आए हैं देखे हैं तो मैंने बताया कमेंट कर देना। और आप अभी जो देखेंगे उसके हिसाब से आप बताइए कि कैसा है कैसा नहीं है। तो ट्रेन स्लो हो रही है तो इसका मुझे यह लग रहा है कि रेलवे स्टेशन के यानी रेलवे स्टेशन की पटरी पर लग रही है और थोड़ा स्लो हो रही है ट्रेन। और मैं बात करूं तो देखते हैं कितना समय लगता है। और रेलवे स्टेशन हमें लग रहा है कि आ गया है क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो हो रही है, यानी जो ट्रेन है वो काफ़ी स्लो हो रही है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हाँ आगे देख सकते हैं ये रेलवे स्टेशन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। साफ़ सफाई देखो कितना बढ़िया है। तो इस रेलवे स्टेशन के लिए एक लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों ये है श्री राजनगर रेलवे स्टेशन और देख सकते हैं कितना बढ़िया, काफ़ी साफ़ सफाई है और काफ़ी शांत है। छोटा रेलवे स्टेशन लेकिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आप देख सकते हैं बस यही है वीडियो। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख सकते हैं श्री राजनगर रेलवे स्टेशन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कर देना मेरे दोस्त।